बॉलीवुड एक्टर सनी देओल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सनी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बनाई। 19 अक्टूबर 1957 को जन्मे सनी देओल का असली नाम अजय देओल है। उन्हें घर में सभी सनी कहकर बुलाते थे। ऐसे में फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम सनी देओल रख लिया। फिल्म बेताब से सनी ने अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्टर को ना चाहते हुए भी फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह थी उनकी एक हेल्थ प्रॉब्लम। सनी को पीठ की समस्या के चलते करियर में खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रॉब्लम में उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा था और उनके हाथ से कई फिल्में भी चली गई थी। खुद एक इंटरव्यू में सनी ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, मेरे 30 साल के करियर में मुझे 5 साल बेड पर पड़े रहना पड़ा है इस बैक पेन की वजह से। सनी देओल अपनी फैमिली के बहुत करीबी माने जाते हैं, खासकर अपने पापा के। पापा धर्मेंद्र को तो सनी पूजा करते हैं। सनी ने अपने पिता को भगवान का दर्जा दिया है। सनी पापा के इतने बड़े फैन है कि पढ़ाई के दौरान वो अपने पिता की जीन्स पहन कर जाते थे और दोस्तों पर रौब जमाते थे कि ये जीन्स मेरे पापा ने फिल्म शोले में पहनी थी। सनी पिता को इतना चाहते हैं कि वो उनके सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाते। एक इंटरव्यू में सनी ने कहा था, पापा मेरे लिए सबसे बढ़कर है, वो सबसे हैंडसम और सबसे अच्छा काम करने वालों में से है। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना कर पाए। वो किसी भी चीज से घबराते नहीं है। अगर उनके हिसाब से कोई बात गलत है तो है, सही है तो है। मैं सिर्फ उन्हीं की फिल्में देखता हूँ। मेरे लिए वो आज भी सबसे बेस्ट एक्टर और इंसान है। वो बेस्ट है। सनी अपने पापा ही नहीं बल्कि माँ के बिना भी नहीं रह सकते। सनी की माँ प्रकाश कौल लाइमलाइट से दूर रहती हैं। यही नहीं, उनकी पत्नी पूजा देओल को भी कैमरे के आगे आना पसंद नहीं। यहाँ आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले ही सनी शादीशुदा थे। इंग्लैंड में जब वो एक्टिंग कोर्स करने गए तो वहाँ पूजा को देखते ही वो उन्हें अपना दिल दे बैठे। दोनों ने शादी कर ली। हालांकि काफी समय तक सनी ने अपनी शादी की बात छिपा कर रखी, जिसका कारण था उनका करियर। वो नहीं चाहते थे कि शादीशुदा होने की वजह से उनका करियर पर कोई असर पड़े। वहीं दूसरी ओर सनी देओल की माँ और पत्नी कैमरे के सामने क्यों नहीं आती, इसका जवाब भी एक्टर ने ही दिया था। एक इंटरव्यू में सनी ने कहा था, ना तो मेरी माँ और ना ही मेरी पत्नी को लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। मेरी पत्नी का अपना व्यक्तित्व है, उन्हें हमेशा अपने फैसले लेने की छूट रही है। सार्वजनिक रूप से ना आना उनका अपना फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, ना तो मेरे पिता और ना ही मैंने अपने परिवार की महिलाओं को हमारे नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि सनी देओल की माँ और बीबी के साथ ही उनकी दोनों बहनें विजेता और अजीता देओल भी लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रही हैं। सनी देओल की अपने छोटे भाई बॉबी देओल में भी जान बसती है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक वक्त में बॉबी देओल का करियर पूरा डूब गया था और उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई थी। इन सभी का जिम्मेदार सनी ने कहीं ना कहीं खुद को भी बताया था। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने कहा था कि बॉबी के लिए हम आज भी अफसोस करते हैं कि हमने उसे घर का बेबी बनाए रखा। सनी ने कहा, पहले पापा ने, फिर मैंने, हमेशा उसे घर का बच्चा बनाकर रखा। उसके करियर या लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हुए, उसका जिम्मेदार मैं खुद ही को मानता हूँ। मुझे लगता है कि काश उस वक्त हमने उसे बेबी ना रखा होता और बॉबी को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया होता। सनी देओल के पापा व एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की। धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, तब सनी का दिल टूट गया था। कहते हैं कि सनी इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि वो सीधा हेमा मालिनी के पास लड़ने के लिए भी पहुंच गए थे। हालांकि सनी देओल की मां प्रकाश कौर ने इन बातों को झूठा कहा था। इस मुद्दे पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो इस तरह का कदम उठाए। सनी देओल की दो सौतेली बहनें हैं, ईशा और अहाना। सनी देओल का अपनी सौतेली बहनों के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं है। ईशा देओल की शादी में सनी के परिवार से कोई सदस्य नहीं गया था, ना ही वो और ना ही उनकी माँ। आखिर में आपको सनी देओल की एक बात बताते हैं कि उन्हें झूठ बोलने और बेईमान लोग पसंद नहीं। एक बार उनकी किसी से अनबन हो जाए तो वो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते। आपको हमारे पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।